लेटर जैसे कुछ लिख रहा हो ना, ऐसे चलता था ये। ये है जी, और ये कागज है, ये यहाँ पे कागज आते थे। यहाँ पे जैसे मैं ए ए लिखूँ तो ए ही लिखा जाएगा, ए यू दबाऊंगा तो यू ही लिखा जाएगा। ऐसे इंग्लिश में टाइप होता था आंटी सारा, इंग्लिश ये 1 2 3 है, ये पेज नंबर 2 नंबर, ये ऐसे ये देख सकते भाई कितना आज भी एंटिक चीज़ें आंटी ने संभाल के रखी है। आंटी बहुत पुराना होगा तो लग रहा है ना आपके, बहुत पुराना, पता नहीं कहाँ से लिया होगा अंकल जी ने, ये भी मेरे ख्याल से दादा के जमाने का होगा। हाँ तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, और ये मैंने आपको दिखाया भाइयों, ये था जी टाइपराइटर अंकल जी का, इससे लिखा करते थे वो, देखो इससे ऊपर हो जाता था ये। तो आंटी ये है जी रिकॉर्ड प्लेयर। अच्छा इसमें आंटी गाने बजते थे क्या? हाँ रिकॉर्ड डालते। अच्छा यहाँ पे रिकॉर्ड ऐसे उघाड़ के डालते थे कैसे? आंटी ऐसे ढक्कन है, अच्छा ढक्कन उठा के ऐसे, देखो भाई जैसे आंटी उठा रही है ऐसे, इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड रख देते थे आंटी, और फिर ये अच्छा ऐसे इसको, तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे इसको उठा के, या जो शायद यहाँ से उठता था ये, अब थोड़ा सा ये लग रहा है, इसको उठा के इस पे रख देते आंटी, फिर ये नहीं चलता था, ऐसे चलता था भाई वही। ठीक है और गाने बजते थे आंटी, आवाज कैसी आती थी आंटी से, बढ़िया आती थी जैसे वो बजती है रिकॉर्ड प्लेयर बजते हैं। आपको अच्छे लगते थे गाने जमाने में? हाँ। आपको आपको भी अच्छे लगते थे? हाँ, मैं तो सुनती थी। अंकल जी यहीं पे बैठ के सुना करते थे। हाँ। तो दोस्तों यहीं पे हमारे अंकल जी बैठा करते थे और यहीं पे भी गाने सुना करते थे भाई, इसी आंटी आवाज करने के है ना सिस्टम, इससे आवाज तेज हो जाती है। तो दोस्तों ये काफी पुराना है भाई, एंटिक चीज आंटी है ना। तो दोस्तों ये चीज़ है, देखो भाई इससे चब्बी भरी जाती थी, ये चब्बी भर दोगे तो आप तो भाई ये घूमता था ऐसे, ऐसे घूमता था, ऐसे घूमता था आंटी। तो दोस्तों इसमें गाने बजते थे जी। अगर तारा भाई दिक्कत करना, अब आगे है तो भाई दिक्कत करके जाएगा। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूँ मेरठ में, और यहाँ पे हमारी मंदाकिनी मैम रहा करती थी इस हवेली में। तो दोस्तों देख सकते हैं आज आपको दिखाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, ये देखो भाई ये सामने जो हवेली है ये है जी मंदाकिनी जी की। ठीक है तो दोस्तों ये है जी, तो भाइयों चलते हैं जी। अब ये हमारी आंटी का कुत्ता है, मंदाकिनी जी घर या यहाँ पे हमारी आंटी बैठी हैं भाइयों। आज आपको फिर से मिलवाता हूँ आपको भाइयों की डिमांड पे, ये स्कूटर है यहाँ पे, कभी गाड़ी खड़े करती थी किया करती थी मैम। ये कुत्ता भी बाहर रखा आंटी ने, ये देख लो बस बैठे आंटी, आपका कुत्ता दिख गया है आपने पाल रखा है। तो दोस्तों क्या हमारे आप ठीक हो? अच्छा अच्छा, घुटन उटर में दर्द तो नहीं होता जैसे मतलब? अच्छा चल फिर लो वैसे। अच्छा तो दोस्तों देख सकते हमारी आंटी है, एक कुत्ता भी बाहर रखा जिन्होंने, ये देख लो जी, और बहुत ही अच्छी है तो है ना, कोठी की रखवाली के लिए। अच्छा ये जो उनके पिताजी थे जो चिड़िया पालते थे छोटी छोटी, कैसी कैसी थी, रंग बिरंगी थी? रंग बिरंगी मेरे अभी भी दिखती है यहाँ झाड़ियों में। अच्छा झाड़ियों में आ जाती कभी कभी? मेरे हस्बैंड कहते थे फुदकी, कहते थे उनको फुदकी। अच्छा अच्छा, फुदकी नाम रखा था उन्होंने उसका। इतनी इतनी सी होती है, जरा जरा सी पूंछ होती है, हरी नीली रंग की, और आंटी बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी, वो वैसे खुलेआम नहीं दिखती आपको। हाँ जी हाँ जी, वो झाड़ियों में होती है। अच्छा, जी मैं। हाँ जी हाँ जी, बस वो बैठे रहते थे उनको क्या पेशेंस में। अच्छा उनको खिलाते थे खाना छोटा? मैं नहीं, पहले तो पकड़ना होता था, वो तो खाया बहुत खाया तो पकड़ में भी नहीं आती, छोटी छोटी चीटियां रहती है, पकड़ में आती थी, पकड़ते थे आखिर में, मतलब आग में रहते थे। अच्छा अच्छा, यहीं पे बैठे रहते घास के किनारे, अपनी तरफ भी तो था उनका पूरा बगीचा। अच्छा अच्छा, वो जहाँ अभी आए हो ना अब यहाँ से। हाँ जी हाँ जी आंटी, वहाँ हेज है पूरी चारों ओर। हाँ जी आंटी, पूरा बगीचा है वहाँ, तो एटमोसफेयर यहाँ से ज्यादा है। हाँ जी, वहाँ जो है खाली पंसा है ना। हाँ जी हाँ जी, वो अलग से उसमें है थोड़ा सा, तो वहाँ ज्यादा दिखते हैं, यहाँ नहीं दिखती ज्यादा, यहाँ डरती है वो। अच्छा अभी भी आ जाती है रंग बिरंगी चिड़िया? बहुत आती है। तो इनके जो पिताजी थे अंग्रेज थे? अंग्रेज थे, जोसफ अंग्रेज माँ के थे। अच्छा। माँ बाप अंग्रेज थे उसके। हाँ। तो इस सीडीए के सबसे बड़ा सीडीए होता है ना, उनकी बेटी थी ये। जी जी आंटी, तो देखो भाई सीडीए होते हैं ना, हाँ। सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है। हाँ जी आंटी, सीडीए के उसके बेटी थी ये। हाँ। जो पैट्रिशिया, पैट्रिशिया उसका बेटा था ये जोसफ। जी जी आंटी, जिसकी ये बेटी है मंदाकिनी यास्मीन। राज कपूर साहब ले गए थे फिर इनको यहाँ से, राज कपूर साहब यहाँ से ले गए, और फिर उन्होंने ग्राम तेरी गंगा मैली पिक्चर बनाई, सबसे हिट रही वो पिक्चर आज भी। तो देखो दोस्तों आंटी 14 साल की थी, था वो 14-15 साल। हाँ जी, बस उसके बाद एक बार आई थी जब भीड़ लगी थी दीवार पर, लोग कूद कूद के देख रहे थे। हाँ बस एक बार आई थी, उसके बाद नहीं आई। हाँ जी, पीछे सारी दीवार पर बैठ गई थी पब्लिक सारी। पिक्चर वगैरह अभी बनाई जैसे मेरठ में कभी कोई उन्होंने अभी शूट की हो जैसे? अच्छा बम्बई गए तो बम्बई की रह गई फिर। हाँ फिर मुंबई में आज लगभग बात करें। हाँ जी इधर आंटी आ, तो वो फिर उसके बाद वो सारे भी छोड़ के। आज उनके कितने लड़के हैं मंदाकिनी मैम के? मंदाकिनी के 2 बच्चे हैं।
अच्छा, वो भी मतलब बाहर ही रहते होंगे? वही डॉक्टर के बच्चे हैं दोनों। अच्छा अच्छा, तिब्बतियन डॉक्टर। आज तो लगभग एज उनकी 55 साल है आज तो, है ना? 50 के ऊपर ही है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती। ये प्यार है, 50 है। आपको देखो भाइयों, इधर पीछे रहती थी आंटी के, तो इधर है और जस्ट उधर पीछे वहाँ पे रहती थी। और कमरे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी जैसे आपके कमरे हैं, इतने बड़ा कमरा था। और उनकी मम्मी और वो दोनों हैं, पूरा पोर्शन था पीछे का। हाँ। दो बड़े हॉल थे, छोटे कमरे, किचन, पूरा बरामदा। हाँ आंटी, सारा। तो दोस्तों एक हिस्सा था पूरा उनका। पिताजी जब आते होंगे तो जैसे आपसे भी बातचीत कर लेते थे, जैसे मतलब बोलते थे होंगे? हाँ, क्यों नहीं बोलते थे वो फादर, उसके बाद में भी बहुत बार आए जोसफ। वे हिंदी बोलते थे मैम या इंग्लिश बोलते थे? जैसे मतलब हिंदी, मतलब जैसे अंग्रेज रहे हैं, यही पैदा हुए थे। अच्छा अच्छा, जैसे मतलब अंग्रेज रहे हैं, मतलब कभी इंग्लिश बोलते मगर अंग्रेज तो अंग्रेज यहाँ पैदा हो गए हैं, मतलब माँ थी अंग्रेज। हाँ जी, तो बाबा अंग्रेज थे। तो आपके अंदाजे से जो हमारी मंदाकिनी मैम है वो पिताजी पे गई है या अपनी माताजी पे? मतलब माँ भी खूबसूरत है। अच्छा, अब भी है? अच्छा अच्छा, अपनी माँ पे लगती है सारी, बाप दोनों। अच्छा अच्छा, और थोड़ी आंखें सी ऐसी है जैसे अंग्रेजों की रहती है? तो बाप जैसी हो गई। हाँ जी हाँ जी, बाकी बोली बोली सब जो है वो माँ जैसी है। जी जी, देखो भाइयों, अगर मंदाकिनी मैम भी अच्छा गाती है। हाँ जी, तो दोस्तों अगर मंदाकिनी मैम मेरी वीडियो देखे तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप आंटी से आके मिले। बाद में पढ़ा कि कोई वो करने आई थी। अच्छा, मेरे को करती है आने में कि भीड़ लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे भीड़ लग जाती है, कभी आज भी है, पता लग जाए कि वो आए तो ये सारे जो है सारा पोषण भर जाता है, टोटल है, परेशान हो जाती है। अच्छा अच्छा, भाई वहाँ जहाँ वो जाती है तो उनके तो वहाँ तो सिक्योरिटी है पूरी। हाँ जी, वहाँ पर अपने बलबूते पर लाते हैं। हाँ जी हाँ जी, यहाँ फिर माँ आती है कभी कभी। अच्छा, काम होता है तो आ जाती है, उसकी फ्रेंड्स है पीछे। अच्छा, लाल कुर्ती में, लाल कुर्ती में बहुत सारी फ्रेंड्स रहती है, वो आ जाती है, वो अकेली भी आ जाती है। शोपिया गर्ल स्कूल में पढ़ी है ना दोस्तों? जो पढ़ाई की हुई है, बहुत भाई कहते हैं कि भाई उसमें पढ़ी है, लेकिन जो रियली जो पढ़ाई की है आंटी बता रही है कि सोफिया गर्ल्स में पढ़ी है। और वहीं पे कॉलेज में नहीं, वो छोटी थी जब यहाँ से गई। अच्छा, प्यार से आप उसको बेबी कहते थे? हाँ, बेबी प्यार से, है ना? जासमीन नाम था, गंगा तो उसने दिया है, मंदाकिनी तो। अच्छा, राज कपूर का नाम है, मंदाकिनी राज कपूर साहब जी ने रखा नाम। अच्छा, वैसे जैस्मिन, जैस्मिन कहते थे? जैस्मिन नाम है, जैस्मिन आज भी नाम, रियल नाम कागजों में उसका नाम जैस्मिन था, माँ बाप का दिया हुआ नाम। जी जी, जैस्मिन। तो दोस्तों जो उनके पिताजी ने नाम रखा था वो जैस्मिन नाम रखा था, मैं जैस्मिन ही थी। हाँ जी, घर में हम बेबी कहते थे। हाँ, देखो भाई। हाँ जी, और फिर मंदाकिनी तो राज कपूर का दिया हुआ नाम। हाँ जी हाँ जी, नाम तो इनके सबके बदलते हैं। हाँ जी, एक्ट्रेसेस इतनी भी सारी आती है, किसी का ओरिजिनल नाम नहीं है। आज भी जो कोई तुम्हारे बात याद आती है उनकी, आज भी जो बिल्कुल दिल के करीब हो, जैसे तुम्हारे यहाँ रहती थी, मतलब कोई भी बात आज भी? माँ बहुत आती थी मेरे पास। माँ बहुत आती थी उनके? अच्छा, वो दरअसल वो भी कश्मीर की थी, उधर शिमला वगैरह की। जी जी, उसे मैं कुछ अपनी सी लगती थी। जी जी, तो माँ उधर साइड की थी, आपकी साइड की, है ना? दोस्तों मंदाकिनी जो मैम है उनकी माँ जो थी उधर साइड की थी, और माँ बहुत ज़्यादा आती थी। वो तो सुबह चली जाती होगी लड़की जैस्मिन जो मंदाकिनी, उसे छोटी मैम साहब कहते थे। तो छोटी मैम साहब, वो तो बड़ी मैम साहब थी। हाँ जी, कांग्रेस तो ऐसे ही बोलते हैं ना, मैम साहब। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये छोटी मैम साहब थी, मंदाकिनी जो मैम थी छोटी मैम साहब कहते थे? नहीं, माँ उसकी माँ। अच्छा, माँ छोटी मैम साहब थी, है? और दादी बड़ी मैम साहब। अच्छा, दादी भी यही रही है? दादी भी तो रहती थी, दादी ही आई थी। अच्छा अच्छा, दादी का क्या नाम था जैसे दादी का? दादी का पैट्रिशिया। पैट्रिशिया, वे थी अंग्रेज, है ना? वे दोस्तों जो दादी थी वो अंग्रेज थी, ठीक है? जो मंदाकिनी की जो माँ है, जो सबसे शादी हुई थी, और फिर जो मंदाकिनी है उसको फिर जैस्मिन नाम से बुलाएगा, फिर बाद में राज कपूर साहब जी ने मंदाकिनी नाम रखा। तो भाइयों भीड़ लग गई थी, एक बच्चा गोदी में दे दिया और अलग आंटी भीड़ लग गई थी। तो दोस्तों आंटी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इनके यहाँ पे रही, और भाइयों इन्होंने बताया कि उनके जो पिताजी थे छोटी छोटी चिड़िया पालते थे रंग बिरंगे पिंजरे में। आंटी, इनका शौक था, हॉबी थी। अच्छा, कितने मान लो कितनी हाइट होगी उनकी, इनके पिताजी की हाइट? चौकी नॉर्मल हाइट। अच्छा, यानी लगभग लंबे लंबे कद के थे? अच्छा, तो जवानी में बढ़िया लगते होंगे जब अंग्रेजी अंग्रेज थे। अच्छा, तो देख सकते हैं ये वही एरिया है जहाँ पे मंदाकिनी कभी रहा करती थी, ठीक है? 90 के दशक में उनकी काफ़ी पिक्चर आई है, जो सबसे सुपर डुपर पिक्चर रही है वो राम तेरी गंगा मैली रही है। ये वो पोर्शन है जहाँ पे वो रहा करती थी, ये वो कमरा है जहाँ पे उनके बचपन के दिन बीतते हैं।
ठीक है, ये देख सकते हैं भाइयों, इधर साइड में है जी कमरा। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ उधर साइड से, ये देख लो जी, ये सारा जो एरिया है ये मंदाकिनी जी की हवेली है जो कि काफ़ी पुरानी है, ठीक है, ये देख लो भाई। तो दोस्तों इधर साइड में ये जो झूला है ये भी काफ़ी पुराने हैं उस टाइम के, ठीक है, यहाँ पे कमरे बने हुए हैं तीन, ठीक है। दोस्तों ये पार्ट थ्री है, पार्ट टू भी बना चुका हूँ मैं, और भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी आंटी का एक बार इंटरव्यू लो, ठीक है भाइयों, आप कहोगे तो मैं करूँगा भाइयों आपके लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है जी, और यहाँ से देखो भाइयों। दोस्तों मैं आपको मिलवाता हूँ आंटी से, ठीक है, आंटी रहती है इसमें, और भाइयों बड़ी मेहनत लग जाती है भाइयों वीडियो में, प्लीज़ शेयर कर दिया करो। ये ग्राउंड है जी, और आपको दिखाया मैंने, ये हमारी आंटी बैठी यहाँ पे, ये देखो भाई जी हमारी आंटी। कहाँ के रहने वाले से आप, कहाँ कहाँ रहते थे पहले? कश्मीर में रहते थे पहले, तो कश्मीर में, फिर अच्छा अच्छा श्रीनगर, फिर अजमेर। अच्छा, ये जो मंदाकिनी मैम है उनकी शादी आपके टाइम पे हुई थी ना डॉक्टर साहब से? वो तो बहुत छोटी थी। अच्छा, डॉक्टर से शादी की थी उन्होंने? नहीं, वो तो बहुत बाद में की। अच्छा, डॉक्टर से शादी, यहाँ से गई तो हाँ जी, वो उनको काम मिला था जी जी, गंगा वैली में, हाँ, तब चली गई थी। आज भी आप उनकी पिक्चर देख लेते हो जैसे अच्छा लगता है? एक ही तो खास है, बाकी तो है। अच्छा, आपको राम तेरी गंगा मैली ज़्यादा अच्छी लगती है? तो दोस्तों आंटी को हमारे यहाँ से जब गई तो वही थी उसकी पिक्चर। तो आंटी बता रही है इनकी पिक्चर आज भी देखती है, तो उस टाइम पे आंटी के लिए साड़ी वगैरह सब लाई थी ना आंटी? हाँ, गिफ्ट लेके आई थी जब बाहर जाती थी ना। हाँ जी, हाँ जी, जाती थी वो शूटिंग में, हाँ, पेरिस गई थी, हाँ, तो वहाँ से एक साड़ी लाई थी, परफ्यूम लाई थी। हाँ जी, हाँ जी, शुरू शुरू की बात है। हाँ जी, हाँ जी, दोस्तों धीरे धीरे तो वक्त बदलता है, हाँ जी, जाते हैं सब। हाँ जी, आंटी आपके हस्बैंड वैसे क्या करते थे आपके? एडवोकेट थे, वो वकील थे, ठीक है। आपके बेटे भी हैं मतलब? बेटी है एक। हाँ जी, बेटी देहरादून में है, उसकी शादी हो गई है। अच्छा, दो बच्चे हैं। अच्छा, लड़का वगैरह जैसे? नहीं, एक ही बेटी है। अच्छा, एक ही बेटी है, तो बिटिया रानी आ जाती है कभी कभी यहाँ पे घूमने? अच्छा, तो हमें दिखाएगी थोड़ी दिन के बाद खड़ी है जो, तो चलो आंटी दिखाओ चलो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वो है, क्या नाम जी के, ये जो है झूला, झूला है जी झूला, ये देखो भाइयों, इस पर बैठ के भाइयों ऐसे झूला करती थी, देखो भाइयों आज भी है, और इस पर आंटी आराम करती है जी, देखो ऐसे झूला जाता है जी। और भाइयों रंग बिल्कुल ब्लू कलर का करवा रखा है, तो मैं आपको आंटी की जो घड़ी है वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये रही आंटी, और आंटी दिखाएगी, ठीक है जी, ये देख लो जी, ये है जी आंटी का कमरा, ठीक है, और इस प्रकार की है भाई ये हवेली, ठीक है। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ इधर साइड से, ठीक है जी, ये देख लो जी, ये है जी, और आपको लेके चलते हैं, ये देखो दोस्तों, ये किचन है शायद, रसोई घर है, और ये पीछे का एरिया जी इसका, ये देखो भाइयों यहाँ से, और आ चुके हैं हम, ये देख लो भाइयों, आपको मैं दिखाता हूँ, शायद आंटी इधर गई है, ठीक है जी, ये देख लो जी, ये है आंटी का बचपन का फ़ोटो जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारी आंटी की हवेली, ठीक है। आंटी कहाँ खड़ी वो? ये अच्छा, यही है ना, ये कब से कितनी पुरानी है? आती नहीं है, पता नहीं बहुत पुरानी है। अच्छा, ससुर के जमाने की है। अच्छा, ये तो किसी घड़ी साज ने भी हमसे मांगे, हमने नहीं दी। अच्छा, एकदम भारी कितनी है, कितनी भारी है देखो आंटी, ये आज भी जैसे सेल पैड डाल लेंगे तो चल जाएगा? नहीं है, चाबी है इसकी बड़ी सी, चाबी एक हफ्ते तक चलती है। देखो भाइयों कितनी पुरानी है, चाबी है ना इसकी, ये चाबी घुमानी पड़ती थी, पता नहीं क्या करते थे वो, मुझे नहीं पता। तो इस घड़ी को कौन लेकर आए थे, आपके हस्बैंड या कौन जी? ससुर साहब लेकर आए थे ये जी, मेड इन इंग्लैंड की होगी शायद मेरे साथ, दादाजी मतलब इनके पिता, मेरे हस्बैंड के दादाजी, दादाजी की है जी। देखो भाइयों कितनी पुरानी घड़ी है आज भी, देखो भाइयों। और ये कौन है जी बच्चे का फोटो? ये मेरे नंद का बेटा है, नंद का, बिल्कुल अंग्रेज जैसा लग रहा है, अंग्रेज जैसा बिल्कुल है ना जी। दोस्तों ये आंटी का फोटो है, ये देखो भाइयों, आंटी आपकी फैमिली है ना? हाँ, देखो भाइयों ये आपकी लड़की है पीछे? नहीं, ये तो नंद और उसकी बेटी है। तो दोस्तों ये देखो भाई, ये आंटी की घड़ी है जी, कितनी मजबूत है जी आंटी, इसमें कुछ ऐसा होगा ये वो घूमने घूमने का? नहीं, उंगली नहीं, पीछे ही चाबी, चाबी भरने का चल, पूरी दिन चलती थी, एक सप्ताह तक चलती थी, चाबी भरनी पड़ती थी भाई उस घड़ी सी में,
ठीक है, ये देख लो जी। और ये है आपकी बिटिया, यही है ना आंटी, ये बिटिया रानी का फोटो है ना। ये तो दोस्तों ये थोड़ा सा वैसा हो रहा है, ये देख लो जी, ये है कितना बड़ा। ये मैं हूँ पर ये मेरी नंद है, नंद की लड़की है जी। जी आंटी ये मैं हूँ। ये देखो भाई ये कितना बढ़िया फोटो आंटी का, देखो कितना सुंदर फोटो, यहाँ से दिखाऊंगा मैं, ये चोंद लग रही है भाइयों, कितना सुंदर फोटो आ रहा है जी परिवार का। और भाइयों बड़ा अच्छा लगा मुझे आंटी से मिल गया, ये देख लो जी, अब आंटी ने लाइट जला के दिखाई तो अब चमका होगा भाइयों आपको ये फोटो। ये आंटी आपकी बिटिया है ना ये वाली? अभी हाँ ये बिटिया, ये बिटिया रानी है, ठीक है, इनकी ये मेरी पिताजी है। अच्छा आंटी दिखाना पिताजी आपके, दोस्तों आंटी आपको दिखाएगी, कितनी अच्छी आंटी हमारी है, मेरे पिताजी है, मेरी बेटी है। अच्छा ये आपकी छोटी सी बिटिया, जब कौन सी क्लास में पढ़ती होगी? अरे अब तो बड़ी हो गई है उस टाइम पे, तो फोर्थ में होगी, फिफ्थ में होगी, पता फोर्थ फिफ्थ में होगी। हाँ, देखो भाई हो। ये अजमेर की है आंटी, आप पे है सारी हा? आप पे ही है गुड़िया तो आपकी। हाँ। चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम। ये आपके पिताजी इधर है, अब माता जी आपके? अच्छा अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं पापा जी तो क्या रहे हैं आपके, जो पिताजी रहे क्या मतलब? एजुकेशन ऑफिसर थे राजस्थान। अच्छा अच्छा, दोस्तों एजुकेशन ऑफिसर थे जी अपने टाइम में। ये देखो भाइयों, तो भाइयों देख सकते हैं आज मैं आया भाइयों, ये देख लो जी, ये आंटी का है, ये हमारे आंटी का ये बैठक है, जैसे कोई बाहर का भी मेहमान आता है उसके लिए, ठीक है। घड़ी बड़ी पुरानी है जी यार भाइयों, ये शील्ड वगैरह तो आपकी गुड़िया ने जीती होगी है ना? ये मेरी है। अच्छा ये देखो भाइयों आंटी को मिली थी, और देखो कितना अच्छा है भाइयों, आंटी बेचारी बहुत ही अच्छी हैं। और बिटिया रानी तो बस जैसा है कभी कोई फेस्टिवल होता है आंटी जी भी आती होगी ना? ये थे आपके हस्बैंड है ना ये वाले? ये थे जी हमारे अंकल जी, बड़ी अलग ही रौनक थी जी चेहरे पे, सो आप देख सकते हैं आप सभी। थोड़ा सा मैं आपको इधर से दिखा दूँ, ये देखो भाई, ये देखो ये कश्मीर का हाउस बोट है। यो कश्मीर का जी, ये देखो हाउस बोट है जी कश्मीर का। और ये आंटी पीछे कोई किसका? मेरठ पब्लिक स्कूल। हाँ, ये बरखा की है, वही बेटी की है जी जी, स्कूल में पढ़ती थी ना। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये आंटी आप ही हो उसमें? ये हाँ मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं ये आंटी का ही फोटो है जी। तो भाई आज मैंने आपको दिखाए ये फोटो जो आंटी के हैं, ये आंटी ये आप ये भी आप ही हो? नहीं ये मेरी बहन की लड़की है। अच्छा ये आपकी बहन की लड़की है, देखो भाई कितने। तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, ये आंटी ये बेटी है, ये बिटिया रानी है आंटी की। तो भाई बहुत ही, मेरे फादर है, ये आपके पिताजी है ना, ये आपके हस्बैंड है ना। देखो भाई कितनी अच्छी रौनक थी चेहरे पर जी, बड़ा नूर था जी अंकल जी के चेहरे पर। तो दोस्तों के मतलब कितने साल के हो गए गुजरे जब, ये कितने साल की एज होगी इनकी? 75 एज दी है ना। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे थे हमारे अंकल जी, और पेशे से वकील थे, ठीक है, सबसे बड़ी बात। ये देखो दोस्तों, और सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होता है हमें कि ये आंटी आज भी जो इनके जो फोटोग्राफ्स है उनको आज भी सजो के रखा हुआ है। ये थे यहाँ पे बैठते थे ना आंटी, ये देखो दोस्तों यहाँ पे बैठते थे, ये है जी हमारे अंकल जी का। और यहाँ पे जो है ना आप एक बात देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फाइल्स है, ये कुछ ये है, ये आंटी जी के लिखे हुए होंगे अंकल जी के लिखे हुए हैंड राइटिंग, ये सब उन्हीं की है जी। ये देखो ये यहाँ पे जैसे कोई बाहर का भी आदमी आता था उनसे सब मिलते थे है ना, ये यहाँ पे बुक्स और रैक जो थे ना वो मैंने दी थी। अच्छा, दीमक लगती जी जी। तो दोस्तों ये सब ये आंटी जो अवार्ड्स है ये हमारे अंकल जी को मिलेंगे, ये उन्हीं के हैं। देखो भाई ये सभी मेरठ ये कहीं मिला है, और ये देखो सभी पुस्तकें हैं, ये कुछ ये पुरानी है सब, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये अब यहाँ पे देख सकते हैं दो अवार्ड यू मिले थे। हाँ जी आंटी, क्या था मेरठ बार एसोसिएशन जी जी आंटी। तो दोस्तों ये थे जी, ये उसमें है जी, ये मेरे वो ससुर साहब, ससुर साहब जी हैं, ये भी एडवोकेट, ये भी वकील थे। तो दोस्तों ये भी वकील थे, ये इनको अवार्ड मिला था, अवार्ड ऑफ ऑनर। तो दोस्तों ये पुरानी पुस्तकें आज भी ऐसी ऐसी पड़ी है, देख सकते हैं आप सभी, ये पुराना टाइपराइटर है दिखाना। तो दोस्तों देख सकते हैं पुराना टाइपराइटर, ये टाइपराइटर मतलब जैसे पहले लिखते थे मतलब लोग उससे जैसे पहले चलता था। ये देखो भाई ये पुराना जी, तो पुराना आंटी है, और अंकल जी चला लेते थे इसको? हाँ, आता था उनको। अच्छा आता था उनको चलाना, इसमें टाइपराइटर ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे उधर उधर से चलता है। आंटी दिखाना था थोड़ा सा, जैसे कुछ दिख रहा हो ना ऐसे चलता था ये। देखो ये है जी, और ये कागज, ये यहाँ पे कागज आते थे, यहाँ पे जैसे मैं ए लिखूँगा तो ए ही लिखा जाएगा, ए यू दबाऊंगा तो यू ही लिखा जाएगा, ऐसे इंग्लिश मेरा टाइप होता था आंटी सारा इंग्लिश। ये 1 2 3 है, ये पेज नंबर, दो नंबर, ये ऐसे, ये देख सकते हैं भाई कितना आज भी एंटिक चीज़ें आंटी ने संभाल के रखी है। आंटी बहुत पुराना होगा तो लग भाई ना आपके, बहुत पुराना, पता नहीं पता नहीं कहाँ से लिया होगा अंकल जी ने, ये भी मेरे ख्याल से दादा के जमाने का होगा। हाँ हाँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, और ये मैंने आपको दिखाया भाइयों, ये था जी टाइपराइटर अंकल जी का, इससे लिखा करते थे। देखो भाइयों ये क्या आंटी, इसमें रिकॉर्ड वही है? देखो भाइयों यो है जी, वो पुराने जमाने का जिसमें रिकॉर्ड आंटी बता रही, गाने बाने सुन लग रहे थे,
ठीक है, ये देख लो जी, ये है जी वो, इसमें रिपोर्ट लगाया जाता था, ठीक है, ये है जी वो, ठीक है दोस्तों, ये देखो भाई, आज भी इन्होंने सजोग रख रखी है जी जी, ठीक है। और ये अंकल जी का देख सकते हैं भाइयों, ये अंकल जी का ऑफिस था जहाँ पे वो बैठा करते थे अक्सर, ठीक है, जैसे कोई बाहर का भी आदमी आता था वो यहीं पे मिलते थे वकील साहब जी से, थे वो पेशे से वकील थे, ठीक है, और उनको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स सब मिले हुए हैं जी, ठीक है, ये देखो भाई, ये देखो दोस्तों, ये सर्टिफिकेट्स हैं सब मिले हुए हैं जी, और ये जो है सभी है, ये अंकल जी के टाइम का ही सामान रखा हुआ है यहाँ पे, आज भी ऐसे कैसी है कि इसमें सामान रखने के लिए देख सकते हैं भाई, इसमें उस टाइम पे ऐसे सामान वगैरह रखे जाते थे, ये आज भी इसमें कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है, इसमें सभी ये फाइल्स है, ये सब भाइयों ऐसे की ऐसी है, आंटी ने आज तक दी नहीं है किसी को भी, ये ऐसे इसमें जो अपने कुछ चीज़ें रखा करते थे वकील साहब जी, उनकी जो कुछ चीज़ें होती थी वो यहीं पर रखा करते थे, इसमें आज भी रखी भी हुई है जो चीज़ें, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो भाइयों ये मेज भी काफ़ी पुरानी है, थोड़ा ये जाम हो चुकी है, इसमें फाइल से वगैरह सब जैसे जो अपने वकील साहब जी हैं वो रखते थे, ठीक है, यहाँ पे बैठा करते थे वो, और ये पेंसिल भाइयों तभी की है, आज तक भी मतलब ऐसी की ऐसी पड़ी है, आंटी ने छेड़ा भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात भाइयों, इन्होंने आंटी ने सजो के रखा उस चीज़ को, और इनके जो हस्बैंड की निशानी है उसको आज भी बरकरार रखा है। देखो भाइयों ये घड़ी है, शायद देखते हैं चल रही है नहीं, देखो भाइयों ये घड़ी है, ये यहाँ पे जो हमारे वकील साहब जी थे वो टाइम देखा करते थे इसमें, ठीक है, ये देखो भाई, तो ये लैंप होता था, जैसे रात के समय में कोई काम करना होता था तो ये रात को जलता था भाइयों, ठीक है, ये भाई ये है चीज़। तो भाई हमारी आंटी जी की बैठक है, और ये आंटी ने सोफे जो है सहारनपुर से मंगवाए थे, तो आंटी जो आपके हस्बैंड थे उनको शौक था पूरा है गाने वगैरह, ये मेरे भाई ने दिया मुझे। अच्छा, ये आपके भाई ने दिया, जो आपके हस्बैंड थे उनको गाने सुनने का काफ़ी शौक था, म्यूजिक, ये म्यूजिक सिस्टम है जी, इनके हस्बैंड को काफ़ी शौक था, और एक एंटिक चीज़ आंटी के पास आज भी है, आंटी मुझे दिखाएगी वो चीज़, ठीक है आंटी, कौन सा आंटी, ये है जी, रिकॉर्ड प्लेयर। अच्छा, इसमें आंटी गाने बजते थे क्या? हाँ, रिकॉर्ड डालते थे। अच्छा, यहाँ पे रिकॉर्ड ऐसे उघाड़ के डालते थे कैसे? भाई रिकॉर्ड डालते थे आंटी ऐसे, अच्छा ढक्कन उठा के ऐसे, देखो भाई जैसे आंटी उठा रही है ऐसे, इसमें यहाँ पे रिकॉर्ड रख देते थे आंटी, और फिर ये अच्छा ऐसे इसको, तो दोस्तों ऐसे यहाँ पे इसको उठा के, या जो शायद यहाँ से उठता था ये, अब थोड़ा सा ये लग रहा है, इसको उठा के इस पे रख देते आंटी, फिर ये नहीं चलता था, ऐसे चलता था भाई, ठीक है। और गाने बजते थे आंटी, आवाज़ कैसी आती थी आंटी से, बढ़िया आती थी? जैसे वो बजती है, रिकॉर्ड प्लेयर बजते हैं। अच्छा, आपको अच्छे लगते थे गाने जमाने में? हाँ। आपको आपको भी अच्छे लगते थे? हाँ, मैं तो सुनती थी। अंकल जी यहीं पे बैठ के सुना करते थे? हाँ। तो दोस्तों यहीं पे हमारे अंकल जी बैठा करते थे, और यहीं पे भी गाने सुना करते थे भाई, इसी आंटी आवाज़ करने के है ना सिस्टम, इससे आवाज़ तेज हो जाती है। तो दोस्तों ये काफ़ी पुराना है भाई, एंटिक चीज़ आंटी तो है ना, तो दोस्तों ये चीज़ है, देखो भाई इससे चब्बी भरी जाती थी, ये चब्बी भर दोगे तो आपको भाई ये घूमता था, ऐसे ऐसे घूमता था, ऐसे घूमता था आंटी, तो दोस्तों इसमें गाने बजते थे। तो भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया आंटी का, तो आंटी ने मुझे दिखाया ये एंटिक चीज़ें, ये देखो भाई आज तक आपने सपने में नहीं देखी होगी, ये देख लो जी मंदाकिनी मैम के यहाँ पे थी ये चीज़ें, ठीक है, नमस्कार भाइयों, राम राम जी।